भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी कोई प्रोफेशनली कोर्स करें और आगे बढ़े। डॉक्टर इब्रत जहां। अच्छा, और किस हॉस्पिटल में है? मैं अभी दिल्ली से जस्ट अभी आई हूँ। दिल्ली में थी मैं मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एक साल जॉब करने के बाद फिर अभी मैं खुद यहाँ पे कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और मैं अपना क्लिनिक खोली हूँ यहाँ पे इस्लामपुर में। तो यहाँ के बच्चे भी जाए। अपना नाम बताइए, हम जानना चाहेंगे, और आप ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया करा रहे हैं। हमारा सीधा सवाल ये है कि आपके यहाँ वो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, मिनिमम एजुकेशन जो होनी चाहिए, किस क्लास के बच्चे आपके यहाँ के जो कोर्सेज हैं उसमें दाखिला ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। मेरा नाम मोहम्मद शादाब कौसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर कंपनी का। जैसे कि सर ने सवाल किया कि हमारी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बच्चों को किसी भी कोर्सेज में दाखिले के लिए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम जो कोर्सेज स्टार्ट होते हैं हमारा, चाहे वो फार्मेसी का कोर्सेज हो, रेडियोलॉजी का कोर्सेज हो, या मेडिसिन का कोई भी कोर्स हो, या MBBS हो, इनके लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए बच्चों को। और साइंस स्ट्रीम का अगर बच्चे हों तो ज़्यादातर चांसेस होता है, चाहे वो मैथ से हो या फिर आपका बायो से हो, PCM या PCB, किसी भी कोर्सेज के बच्चों को इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है एडमिशन के लिए। मेरा नाम पिंकी है। आज इस सेमिनार में आके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को ये मुझे खास करके लगा कि हम लोग भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इन टीचरों का कि इन्होंने ये सेमिनार आज ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ आगे करूँ, और यहाँ आके मुझे लगा कि मुझे मतलब कुछ भी ऐसा जैसे कि MBBS, MD, MS इनमें से कोई भी कोर्स मैं करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह MBBS का इरादा है। आप क्या सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, या जो बच्चे आपके यहाँ से एजुकेशन हासिल करेंगे उनको आप करियर भी, उनका करियर बनाएंगे, जॉब भी देंगे उनको? बिल्कुल सर, ये बहुत ही एक अहम सवाल है और हमारे करियर के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट भी है। जो भी स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, या मैं खुद जब स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारे मन में एक सवाल होता था, या हमारे पेरेंट्स के ऊपर में भी एक होता था कि मेरा बच्चा पढ़ाई के बाद करेगा क्या, या मैं खुद पढ़ने के बाद करूँगा क्या। क्योंकि किसी भी अच्छे जॉब में अगर जाएंगे, किसी भी अच्छे नौकरी के लिए जाएंगे आप, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो हमें इस चीज़ की खास ये रहती कि मैं पढ़ाई तो कर लिया, मैं करूँगा क्या। तो इसके लिए हमारी जो कंपनी है रिलायबल करियर एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये मेन पावर के ऊपर में भी काम करती है, राइट, इवन इंडिया और एब्रोड के लिए भी। जो बच्चे कोर्स करके निकलते हैं उनको हम प्लेसमेंट के थ्रू आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कोई अगर फार्मेसी का कोर्स करके आता है तो हम उसको मेडिकल लाइन में भेजते हैं। कोई अगर होटल मैनेजमेंट का लाइन करके कोर्सेज करके आता है तो उसको हम उसी इंडस्ट्री में भेजते हैं। कोई अगर एविएशन एरोनॉटिकल का कोर्सेज करके आता है तो उसको हम उसी इंडस्ट्री में भेजते हैं। कोई अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज करके आता है तो हम उसको उसी इंडस्ट्री में भेजते हैं। तो बिल्कुल ये कंपनी दोनों तरफ से ज्वाइंट वेंचर होकर के काम करती है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है करियर एंड एजुकेशन, कि पहले हम आपको एजुकेट करेंगे फिर आपका हम करियर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की कंपनी गारंटी देती है। सर, आखिरी सवाल है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि अब ये हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं इसको जाहिर है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, और सोशल मीडिया का एरिया लिमिटेड नहीं होता है। हो सकता है इस वीडियो को यूपी से देख रहा हो, कोई मध्य प्रदेश राजस्थान से देख रहा हो, दिल्ली से देख रहा हो, अगर उनमें इच्छा जाहिर होती है, कोई बंगाल से देख रहा हो, बिहार से देख रहा हो, तो सबसे पहले आप उन्हें अपना पता बताएं, अगर आपसे रابطہ करना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो कहां आएंगे वो। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि MBBS, MD और MS जैसे कोर्सेज जहां पर लाखों रुपये फीस लगती हैं, तो आप पर लोग कैसे श्योर करेंगे, कैसे आप पर भरोसा करेंगे, ये चीज़ जरा समझाएं मुझे आप। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम लोग एक 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, पहले ये देखते हैं कि उसका कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांड इक्विटी, या ब्रांड पे विश्वास करना कि कोई भी चीज़ लोग ब्रांड क्यों इस्तेमाल करता है। तो जैसे कि सर आपने ये चीज़ पूछा, सबसे पहले बात कि हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारे रीजनल ऑफिसेज, ब्रांच ऑफिसेज, ठीक है, और हेड ऑफिस, ये अलग अलग जगह पे है। और ब्रांच ऑफिसेज तो आपको कई जगह पे मिल जाएगा। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे आपके गोलपोखर में ही है, लोधन में ही, ठीक है, जिसके ब्रांच हेड मिस्टर संजर हैं। और इसके अलावा आपका सिलीगुड़ी में हमारा ब्रांच है, और अगर आप हिल्स की बात करेंगे तो दार्जिलिंग में हमारा ब्रांच है, पूर्णिया में हमारा ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, और कोलकाता का आपका दुर्गापुर में ब्रांच है। ये हमारे ब्रांचेस हैं, राइट। और किशनगंज में हमारा रीजनल ऑफिस है जो कि आपका इंसान स्कूल रोड पे है। दूसरी चीज़ सर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, कि हम ट्रस्ट इशूज़, राइट, कि
कि एक तो छोटी मोटी रकम की बात होती नहीं है यहाँ पे, जब एडमिशन स्टार्ट होता है 2-4-5 लाख रुपए से स्टार्ट करके होकर के ये करोड़ों के ऊपर तक बजट जाती है हमारा, राइट। तो सर सबसे पहले बात तो मैं ये आपको बता दूंगा कि ये जो कंपनी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड होता है, सीए के यहाँ उनकी फाइल होती है चार्टर अकाउंटेंट के पास, राइट। और जो भी चीज़ें होगा तो वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनता है हमारा। किसी भी स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें कि कोई शक का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ बहुत ही फेयर होता है और उसको पेपर्स के थ्रू ही हम करने के बाद, और ये भी है कि एक आपका जो अमाउंट है वो एक बार में नहीं लिया जाता है, पहले कुछ इनिशियल अमाउंट होता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है जो आपको पहले लिया जाता है, फिर आपको हम एडमिशन लेटर वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप कॉलेज विजिट करते हैं, फिर रेस्ट अमाउंट आपको बाद में लिया जाता है जब मुतमईन हो जाते हैं, जब आप तसफ़ी हो जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं को फाउंडर ऑफ इस कंपनी का को फाउंडर हूँ मैं। ये कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट करा था 2027। तो हम लोगों ने बेस्ड ये कंपनी जो स्टार्ट करा था ये था कि जो लोकल एरिया है इधर हम लोग का जो बच्चे है ये हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं पाते, चाहे वो आप सीमांचल में जाओ, आप कटिहार में जाओ, आप हमारे दिनाजपुर में आओ, तो एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ गाइडेंस होता है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं इसी होम टाउन से हूँ, मेरा ये होम टाउन है। तो प्लस पॉइंट ये है यहाँ के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं तो उनको हम जो है बेहतर से बेहतर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी बच्चे बैंगलोर जाते थे 7-8 लाख का फीस देके, तो अब हम लोग वैसा कुछ प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं, जो बच्चे बैंगलोर जाते थे वो अब कोलकाता से भी कर सकते हैं एज अ सेम फीस में, जो उससे भी कम है, और आपको स्कॉलरशिप भी उसमें प्रोवाइड होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है घर से और काफ़ी बैकवर्ड से होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो भी फैकल्टी होता है वो हम उसको प्रॉपर एक गाइड करते हैं। प्लस हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, तो हम सारा ही स्कॉलरशिप जो भी प्रोग्राम होता है बच्चों तक वो अवल कराते हैं। और जैसे ही बच्चे का कोर्स जो कंप्लीट होता है तो हमारे पास जितने सारा कोर्सेस है सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होता है, जैसे कि बच्चा का जहाँ भी जैसे बच्चे का भी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद बच्चा का जो स्ट्रगलिंग फेस हो वो बच्चा को कवर ना करना पड़े। तो जैसे ही बच्चा का जो कोर्स कंप्लीट होता है हम एक प्लेसमेंट सेल करते हैं, उसमें बच्चों को प्लेसमेंट की जाती है। संजय सर, यहाँ जो ग्वालपोहर खास करके यहाँ मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, जी जी, अगर आपके सेंटर में जाकर एडमिशन लेते हैं तो साल का कितना फीस आएगा? देखिए, साल का फीस कोई एक एस्टिमेटेड नहीं होता, हर कोर्स का डिफरेंट फीस है, डिफरेंट कॉलेजेस है, डिफरेंट बजट्स है। तो हम आपको कुछ कॉलेजेस शो करेंगे, एग्जांपल हमारे पास 3 लाख का कॉलेज है, हमारे पास 1 लाख का भी कॉलेज है, 75,000 का भी कॉलेज है, तो हम आपको वो सब शो करेंगे, आपके बजट पे जो आएगा आप वो चूज़ करोगे। इन केस अगर आप वहाँ पे भी फाइनेंशियली लैक करते हो तब हम आपको क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम होता है हम आपको वो देके आपको आगे करेंगे। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट का फीस अलग अलग होता है। जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट का अगर आप मेडिकल पैरामेडिकल का फीस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 2 लाख से स्टार्ट होता है, 10 लाख, अंडर 10 लाख में सारा कुछ हो जाता है। और वही आप अगर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का देखोगे तो जो मिनिमम फीस है वो ऑलमोस्ट 5 से 5.5 लाख से गवर्नमेंट का जो डेडिकेटेड फीस है वो तय है। तो ये हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंट फीस होता है। सर एक सवाल है हमारा कि MBBS जैसे कोर्सेज में जी जी एडमिशन जो होता है दाखिला होता है नीट के जरिए होता है, जी जी जी, आप वैसे बच्चों का दाखिला करवाएंगे जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, जो कुछ है? नहीं, जो नीट क्वालिफाई करेगा उसी का, जैसे कि नीट का जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होता है 128, बच्चे को पहले वो क्लियर करना पड़ता है। जो अभी हमारे नीट में जो सिलेक्शन होता है तो वो क्वालिफाइड नहीं होता है, वो जो एक IR लेवल पे आता है ऑल इंडिया रैंक पे वो वहाँ से आता है, जो बच्चे वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हो पाते, ऑलमोस्ट किसी का 120 ही मार्क्स है और उसको आगे में चांस नहीं मिल पाया, तो वैसे बच्चों के लिए, जी जी, वैसे बच्चों के लिए भी हम गाइड। मेरा सवाल ये है कि वैसे बच्चों के लिए आप कौन से ऐसे कॉलेजेस में दाखिला करवाएंगे? 2-4 कॉलेजेस का नाम बताइए इंडिया में जो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। जैसे कि अगर आप बेंगलोर में आपको हम एग्जांपल दे तो रामैया है, किशनगंज में आपको एग्जांपल दे तो MGM है, कटिहार में एग्जांपल दे तो KMCH है, आप वेस्ट बंगाल में बगल में आओगे तो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है। जगहों पे आसानी से आप जो एडमिशन करवा जी 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 जी